हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन 21, स्टैंडर्ड 5th, लाइक फादर लाइक डॉटर्स। दिस इज पार्ट 2। सो ओपन द बुक एंड सी द पेज नंबर। तो अभी हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखा कि हमारे घर में से या आस पास हमारे घर में से किसी ना किसी की कोई ना कोई चीज़ हमसे मिलती जुलती रहती है। ओके, और आपको मेजर भी करना था अपनी हेयर, अपनी मम्मा का हेयर, अपने फादर की हेयर कि किसकी कितनी लंबाई है, कितनी कम है, ओके, कितनी पतली है, कितनी मोटी है, सब आपको मेजर करने के लिए बोला गया था। शायद आपने किया होगा। ओके, आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर है, फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ूंगी, उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ है, बट हाउ नाउ मामा हैज़ द लर्न ए ट्रिक। सी से सिंग ए सॉन्ग इन द वाई दिस ए फनी ट्रिक, रीड अबाउट देन एंड यू विल बी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या पूछा बताया जा रहा है कि सुहासिनी की किस्सेदानी। ओके, कभी सुहासिनी खुद अपने मामा को कहती है कि सुहासिनी बाहर गई है। ओके, तो आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं कि मराठी में गाकर दिखाओ, यह क्या तरीका हुआ, उसके बारे में पढ़ो और समझ जाओगे। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ बताया गया है कि द सिस्टर वेयर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन द सरोज फादर्स ब्रदर्स एंड वाइफ चाची अडॉप्ट हर एंड टुक हर टू पुणे। एवरीवन इन चाची हाउस इज वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक। मॉर्निंग बिगन विद द म्यूजिक इन द हाउस। सरोज नाउस मैनी सॉन्ग इन द बोथ द लैंग्वेज तमिल एंड मराठी। एट होम एवरी वन स्पीक तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस स्पीक इन द मराठी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद में लिया और अपने साथ पुणे ले गई। तो चाची के घर में क्या करते हैं, सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। ओके, उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी में बोलते हैं। फिर यहाँ पे सुहासिनी स्टे विथ हर फादर इन चेन्नई। हर फादर इज ए कराची कोच सेंस ही वॉज द 3। सुहासिनी स्टार्टिंग डूइंग द with the other children's on holiday, both father and daughter start in the morning। तब यहाँ पे सुहासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है, उसके पिता कराटे के कोच हैं। ओके, 3 साल की उम्र से ही सुहासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। ओके, देखने में दोनों बहनें एक जैसी है पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा है। ओके, अब यहाँ पर डिस्कस में देखेंगे। डिस्कस में कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोज एंड सुहासिनी, व्हाट इज डिफरेंट। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सरोजा और सुहासिनी में क्या गुण है, क्या बातें मिलती जुलती है और क्या क्या अलग है। ओके, ये आपको बतानी है। फिर सेकेंड है यहाँ पे, डू यू नो एनी ट्विंस, व्हाट इज ए सिमिलर इन देयर, हाउ आर देयर डिफरेंस। अब यहाँ पर है कि क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उसमें क्या एक जैसे और क्या कुछ अलग अलग हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, डू यू नो ऑफ द ट्विंस यू डोंट लुक एट द सेम। क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते हैं। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि सरोज एंड सुहासिनी लुक ए लॉट लाइक इच अदर, इट आर द डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, सरोज नो 2 लैंग्वेज इफ ए सुहासिनी फैमिली ऑल्सो टॉकिंग इन 2 लैंग्वेज। सी कुड ऑल्सो लर्न अबाउट वी मैनी थिंग्स लाइक लाफिंग म्यूजिक, लव फॉर रीडिंग्स on when we get a chance and an involvement to do so। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरोज और सुहासिनी देखते तो एक जैसे हैं पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं।
जैसा सरोजा को दो भाषाएं आती हैं, अगर सुहासिनी के घर पर दो भाषा बोलते हैं तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती है। बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या फिर पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं, ओके, जब हमें उसका माहौल मिलता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वाइस इन योर क्लास, राइट हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन डू दिस। अब यहाँ पर है कि आप जब स्कूल आएंगे तो एक एक्टिविटी करनी है, पर अभी आप घर पे भी कर सकते हैं, कि परिवार से मिलना, अपने क्लास में एक मज़ेदार स्वर करो, कितने बच्चे यह कर पाते हैं यह आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है, विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि जीभ को पीछे आपको तालू की तरफ मोड़ना है बिना दांतों से आपको छुए हुए। ओके, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, एक्टिविटी आपको करनी है, रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड। अब यहाँ पे रहे कि जीभ को किनारों से उठाकर एक लंबे रोल की तरह आपको बनानी है। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड है, ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट नाउ विदाउट मूविंग द अदर्स मूव द लिटिल। तो यहाँ पे है कि पैरों की सारी उंगलियाँ को खोलना है, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगलियाँ आपको हिलानी है। ओके, फिर यहाँ पे फोर है, टच द टंब टू योर रेस्ट। अब यहाँ पे हाथ के अंगूठे को अपनी कलाई से आपको लगाना है। ओके, फिर फाइव नंबर में देखेंगे, फाइव में मेक ए वी बाई पॉइंट टू द फिंगर्स ऑफ योर हैंड टू इच साइड। हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ दोनों उंगलियां इधर उधर करके। ओके, फिर यहाँ पे सिक्स में आपको करना है कि मूव योर आइज विदाउट लॉन्डिंग देम। यहाँ पे बिना छुए आपको बाहर वाली कान को हिलाना है। ओके, बिना टच किए। फिर यहाँ पे दोज चिल्ड्रंस हु कुड डू एनी अदर्स ऑफ दिस सुड आस्क देयर फैमिली मेम्बर ऑल्सो टू डू सो, सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव गॉट दिस फ्रॉम देयर फैमिली। अब यहाँ पर है कि जो बच्चे ये कर पाए वे अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कहें, क्यों, कितने बच्चों की ये बातें उनके परिवार से मिलती है। जो आपने जो जो एक्टिविटी किया वो आपने फैमिली के मेंबर से भी बोल सकते हैं करने के लिए, और आपको देखना कि आपने क्या किया और उन्होंने उन्होंने क्या क्या किया। ओके, अब यहाँ पर है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे नो 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 डोंट बी वरीड, इट इज़ ए नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव द पॉली देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। अब यहाँ पे नहीं, तुम परेशान मत हो, माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं कि बच्चे को भी होगा। ओके, फिर यहाँ पे बट नो दिस फ्रॉम, तो यहाँ पर है कि सती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। ओके, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सती वाज ओनली ए फ्यू मंथ्स ऑल द वेन वन ऑफ हर लेग्स वाज द अफेक्टेड बाई पोलियो, बट सी नेवर लेट्स दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड द हर लाइफ। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस एंड द क्लाइंबिंग मेनी स्टेंस हैज बीन ए पार्ट ऑफ हर वर्क। नाउ सती इज़ द मैरिड, सम पीपल टेल्स हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रंस, सी इज ऑल्सो वर्ड दैट द हर चिल्ड्रंस मे ऑल्सो गेट पोलियो, सी स्पोक टू ए डॉक्टर अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में उसको क्या हो गया, पोलियो हो जाता है। ओके, इतने वर्षों से उसने कभी भी अपने इस दिक्कत को अपने काम के आड़े में नहीं आने दिया, दूर दूर तक पैदल जाना और कोई मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा होगा। जब तक उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे थे, उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। ओके, फिर डॉक्टर ने सलाह दी। नेक्स्ट पेज यहाँ पे टर्न करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन हैव यू रीड और हार्ड एनी थिंग्स अबाउट पोलियो वेयर, क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या फिर देखा है आपने, तो वो आपको बतानी है। ओके,
फिर यहाँ पे सेकंड है, हैव यू रीड और हार्ड एनी न्यूज अबाउट पोलियो वाट, तो यहाँ पे क्या तुमने पोलियो की दवाइयाँ पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है। ओके और लास्ट है, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज पोलियो, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलिया पोलिया पोलियो है। ओके अब यहाँ पे देखेंगे एक्सपेरिमेंट विद पी। अब यहाँ पे क्या करना है, मटर के प्रयोग चिकने और खुरदुरे। ओके तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे अभी हम वन वन पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर है जीग्रोज मेडल वॉज द बॉर्न इन ए पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया इन 1822। इफ आज ए वेरी फोर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स बट द वेरी थाउट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम द नर्वस। ओ यू टू फील द सेम, ही डिड नॉट हैव द मनी टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी सो वी थाउट टू बिकमिंग ए इन ए थाउट इज एट स्टेट सेंट द विच हर वॉज बट टू बिकम ए साइंटिस्ट टीचर ही हैड टू टेक एन एग्जाम। ओ नो ही गॉट सो नर्वस दैट इज द कीप्ट रनिंग अवे फ्रॉम द एग्जाम एंड कीप्ट द, यहाँ बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रोनो मेंडल का जन्म 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। ओके तो क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मक मुनि बनने का सोचा ताकि वहीं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी पर विज्ञान टीचर की पक्की नौकरी के उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। ओके उफ घबराहट के मारे हुए परीक्षा से भागते जाते और फेल होते रहे। फिर यहाँ पे है, बट ही डिड नॉट स्टॉप द डूइंग एक्सपेरिमेंट फॉर द 7 years टी हॉल्ड द एक्सपेरिमेंट ऑन द 28 प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ द ही वर्क द हार्ड कलेक्टेड मेनी ऑब्जर्वेशन एंड मेड ए फ्यू डिस्कवर सम थिंग्स विच साइंटिस्ट एट द टाइम कुड नॉट एवर अंडरस्टैंड दे अंडरस्टूड इट मेनी वियर्स आफ्टर हिज डेथ when other scientists did the such experiment and the Reed Ward medal and the already writing। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि खैर उन्होंने साइंस के प्रयोग करना नहीं छोड़ा, 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों को बारीकी से कई एक्सपेरिमेंट किए। ओके ढेरों से आंकड़े भी इकट्ठे किए और एक नई बात भी खोज निकाली, ऐसी बात जो उस समय के साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आई थी। मेडल के मरने के कई साल बाद भी वे समझ पाए थे जब कुछ और लोगों ने यह एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि मेडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था। ओके फिर यहाँ पे है, व्हाट डिड द मेडल फाइंड इन द दोज प्लांट ही फाउंड दैट्स द पी प्लांट हैज द सम विच कम इन द पेयर्स लाइक द सीड इन द 8 रफ और स्मूथ इट इज 8 येलो और ग्रीन एंड द हाइट ऑफ द प्लांट्स इज इफेक्टेड टॉल्स और शॉर्ट नथिंग इन द बिटवीन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मेडल ने पौधे में क्या गुण पाया था, उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरार होना, पीला या हारना होना और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। ओके पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या चिकनी या खुरदुरी होती है, ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरार बन गया तो इसी तरह रंग के गुण भी अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीली होती है या फिर हरी। ओके तो पीला और हरा गुण मिलकर कोई नई रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेडल ने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले वाले बीज ही होंगे। ओके इसी तरह दोनों ने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकनी बीज भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लांट्स, ये पी प्लांट्स है। ओके अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे।
सो यहाँ पे सम फ्रॉम द फैमिली सम फ्रॉम एन एनवायरमेंट ओके, तो यहाँ पर है कुछ परिवार से कुछ हालात से ओके तो यहाँ पे फ्रॉम ए डिस्टेंस वीगा वीगा नोज द नाउ डैट हर नाना ग्रैंड फादर इज द कमिंग फ्रॉम हिज लॉर्ड लाफिंग नाना ऑल्सो टॉक लाउडली एंड द हेयर्स विद द डिफिकल्ट। तो यहाँ पे विवा दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं, उनके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना जोर से बोलते हैं ऊंचा भी सुनने लगे हैं ओके। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आर देयर पीपल इन योर हाउस हु टॉक लाउडली, इज इट द देयर हैबिट्स और दे कैन नॉट ऑल्सो हेयर वेरी वेल। तुम्हारे घर में कोई जोर जोर से बात करने वाले हैं, क्या उसकी ऐसी आदत है या वे ऊंचा सुनते भी हैं ओके। फिर यहाँ पे है, आर देयर टाइम्स वेन यू डू नॉट टॉक लाउडली इन फ्रंट फ्रंट ऑफ सम पीपल वेन विथ होम वाई वेन कैन यू सी स्पीक लाउडली। अब क्या तुम किसी समय या किसी के सामने बिल्कुल जोर से नहीं बोलते, तो कब किसके सामने और क्यों और कब जोर से बोलते हो वो आपको बतानी है ओके। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम पीपल यूज ए मशीन इन देयर एयर टू हेल्प देन द हेयर बेटर, सम यूज ए स्टिक ऑफ स्पैकर टू हेल्प देम इन अदर्स वेज, डू यू नो समवन हु डज सो। अब यहाँ पे कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या छप्पे की मदद लेते हैं, तो क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो इस तरह से यूज करते हैं ओके। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर यहाँ पे है, टॉक योर पीपल हु कैन नॉट हेयर वेरी वेल फाइंड आउट इट दे हैंड दिस द प्रॉब्लम फॉर बर्थ, व्हेन डिड दे स्टार्ट टू हैव ए प्रॉब्लम विद द हेयरिंग, व्हाट डिफिकल्ट्स टू दे फेस। अब किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊंचा सुनता है, पता करना है क्या वह बचपन से ही ऊंचा सुनता है, कब से ऊंचा सुनने लगा है, उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं वो बतानी ओके। फिर यहाँ पे वे हैव सीन दैट सम टैक्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली सम थिंग्स एंड द स्किल वी लर्न फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट एट टाइम्स और आवर एबिलिटीज चेंज बिकॉज ऑफ ऑल सम लाइन्स और ओल्ड एज ऑल दिस टू नाइट मेक अस द व्हाट वी वेयर। अब यहाँ पे कि हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान गुण होती है जो हमें परिवार से मिलती जुलती है, तो कई हुनर और कई बातें हम अपने मोहल्लों से लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी से ज़्यादा उम्र की वजह से भी हम में से कुछ बदलाव आते हैं ओके, यह सब मिलकर ये हमारा पहचान बनाते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, तो यहाँ पे व्हाट वी हम क्या समझे, तो यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक्स व्हाट ऑल इज़ ए पार्ट ऑफ यू दैट यू गॉट फ्रॉम योर मदर साइड, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कौन कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें माँ की तरफ से मिली है ओके। तो आपका यहाँ पर चैप्टर 21 ख़त्म होता है, अभी आपको चैप्टर 1 तक ही रिविजन करना है, यहीं तक आपको क्वेश्चन आने वाले ओके। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट डे हम सॉल्यूशन वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।